वेलकम बैक टू मेडिकल स्कॉल टाउन ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए आज जिस स्पेशल ब्लॉग लेकर आया हूँ, जो कि होने वाला है दिल्ली में, जो कि है शांति स्तूप, और जिसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है निज़ामुद्दीन सरायकाले मेट्रो स्टेशन, जो कि आप ओल्ड दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, किसी भी एरिया से आप मेट्रो लेके आराम से यहाँ पे 30 रुपए में पहुँच सकते हो। और जैसे ही आप निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे, वहाँ से कम आधा किलोमीटर से समथिंग 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, या फिर आप ऑटो को लेकर 20 रुपये में आ सकते हो। और जस्ट आप पहुँचोगे इस मेन रूट पर, देख सकते हैं सामने शांति स्तूप लिखा हुआ है, और यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा ऑटो वगैरह यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आपको छोड़ देगी। और इसके जस्ट उस दूसरी साइड आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी पूरी फैसिलिटी मिलने वाली है। और ये रहा, और सामने देख सकते हैं आप दो शेर। अभी भाई दिन का टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए सन ग्लासेस वगैरह पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी ये गेट इस साइड से बंद है। दो शेर आपको दिखने वाले हैं, एक शेर देन सेकेंड शेर, और इधर से आपको पैदल चलना है, क्योंकि ये पार्क ऑलवेज खुला रहता है और यहाँ कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। ये रहा विश्व शांति स्तूप, और ये रहा गाइस शांति स्तूप, देख सकते भाई बहुत प्यारा है, ये बहुत धर्म का है शांति स्तूप। और इधर पूरा पार्क है, बैठने बैठने का पूरा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। बट थोड़ा इसमें दिक्कत ये है कि अभी गर्मियाँ चल रही है दिल्ली में, और देख सकते आप भाई इतना प्यारा है, बस यहाँ पर अंदर गेम वेम खेलना मना है, और बाकी तो आप आराम से आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेकर चलते इसका मेन जो एंट्रेंस गेट है, ये रहा। ये रहा फ्रेंड्स का मेन एंट्रेंस गेट, और ये रहा अंदर बुद्धा स्तूप, बौद्ध धर्म का प्रतीक, जो बौद्ध धर्म का टेंपल है। और आपको दोनों साइड से दिखेंगे टाइगर, दिखेंगे दोनों साइड से। और यहाँ पे लिखा है कृपया शूज़ वगैरह उतारें, शूज़ वगैरह यहाँ पे उतारने पड़ेंगे, तो पहले शूज़ वगैरह उतारते हैं। ये रहा, नहीं शूज़ वगैरह उतार दिए हैं, और अब चलते हैं अंदर की तरफ। बाकी यहाँ पे कुछ फेस्टिवल, कुछ वीक में एक फेस्टिवल होता है, शायद मंथ में फेस्टिवल होता है, जो यहाँ पर होता है आराम से, यहाँ पे हवन वगैरह होता है। और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का नज़ारा, और इसको देख के सेम टू सेम ऐसा लगता है जैसे लद्दाख वाली फीलिंग आती है, प्यारा सा गार्डन। और ये देख सकते हैं आप कुछ बनाया हुआ है पत्थरों से, कुछ स्ट्रक्चर है, इस पर लिखा भी है नो एंट्री, यानी कि इसके अंदर प्रवेश निषेध है, मना कर रखा है। ये छोटे छोटे जो पत्थरों से बने हुए हैं, और शूज हमने आगे उतार ही दिए हैं, तो अब लेके चलता है आपको ऊपर। भाई धूप बहुत तेज है दिल्ली के अंदर, बट फिर भी इस गर्मी में भी हम ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। अभी बीच में हमने ब्लॉग बनाना थोड़ा कम करा था, फिर स्टार्ट कर लिया है। बाकी आपको दिख रहा हो टाइल्स वाइल्स हैं लगे हुए, और ये रहा बुद्धा स्तूप, जो एक शांति का प्रतीक होता है। ये संगमरमर के पत्थरों से बनाए हुए ये दान पात्र है, और इनकी भाषा में कुछ लिखा हुआ है नाम यू म्यो हो रेन गी क्यो, नम यू म्यो हो रेन गी क्यो, ये इनकी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और ये चारों तरफ से आपको दिख रहा होगा संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है, और आपको पता ही है वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, जो कि यहाँ पे आके आराम से आप विज़िट कर सकते हो। दिल्ली में यार बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगह है घूमने के लिए, और ये देख सकते हो आप एक बार, मैं इसको चारों तरफ दिखा देता हूँ आपको। इस साइड भी ये देख सकते आप गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो भी हैं, आराम से अपनी विश्राम अवस्था में लेटे हुए हैं। और ये चारों तरफ से गोल आकृति नुमा है, और सामने भी ये आपने देखा होगा जो बौद्ध स्तूप का, इनका शायद स्टे करने का ऐसे कुछ गेस्ट हाउस वगैरह या कुछ ऐसे कुछ है। बाकी इस साइड भी बौद्ध धर्म की प्रतिमा है, चारों तरफ से राउंड शेप में है, और इनका स्टे वगैरह या गेस्ट हाउस ऐसे कुछ होगा। और ये पूरा राउंड में एक जैसे आप देख सकते हो, पूरा राउंड शेप में बनाया हुआ है। ये पूरा राउंड शेप बनाया हुआ है, और ये बनाया हुआ है संगमरमर के पत्थर से। भाई दिन के टाइम बहुत चमकता है दूर से, और साथ में भाई दिन में दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिना सनग्लासेस के
भाई अगर आप इस पार्क में आ रहे हो तो बहुत टफ हो जाएगा। शाम सुबह 24 घंटे में भीड़ है, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस पार्क के अंदर कोई भी टिकट प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी टाइम में आप आ सकते हो। कोई ऐसा कुछ स्पेशल डे नहीं है, आप एनी टाइम एनी वेयर कभी भी आ सकते हो। कोई यहाँ पर मना नहीं है किसी भी टाइम कुछ खाने पीने के लिए, कुछ भी मना ही नहीं है। आप आराम से आइए और इस बुद्धा टेम्पल को विज़िट करिए, क्योंकि ये शांति का प्रतीक भी है। आपको हर जगह पता होगा जहाँ पर भी व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर एक शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म को भी जो ये बनाया हुआ है, बौद्ध धर्म ने बनाया हुआ है। और इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है वो सामने आपको दिख रहा होगा, जहाँ से मैं आपको अंदर एंट्रेंस किया था वो सामने रहा। बाकी ये चारों तरफ से प्यारा सा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा हेक्टर में फैला हुआ है ये गार्डन। और साथ में यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि अभी सबसे बड़ा ये जो स्तूप है वो लद्दाख में है, तो आपको देख सकते हो। लद्दाख तो यहाँ पे है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत लद्दाख वाली फीलिंग्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं एक बार आपको नीचे लेके चलता हूँ। भाई गर्मी इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि मेरे पाँव भी जल गए भाई। ये देख सकता है पूरा स्तूप, देख सकता है सबसे टॉप में। एक बार मैं सर राउंड शेप मार के दिखाता हूँ आपको पूरा। देख सकते हैं यह स्टे गेस्ट हाउस वगैरह, और इधर लिखा भी है प्रवेश निषेध है, यानी कि अंदर जाना मना है, इस साइड आना मना है। और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप का झरना है, वहाँ पे तक मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। यार बहुत प्यारी जगह है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो नियरेस्ट मैंने मेट्रो बता दिया है, सरायकाले का मेट्रो। और जो इस पार्क का नाम है, इसका नाम है इंद्रप्रस्थ पार्क। अगर आपको कोई बुद्धा स्तूप या बोल के अगर आप यहाँ पे आते हो, कोई मना करता है कि भाई नहीं पता है, तो उसको बोलना कि इंद्रप्रस्थ पार्क कहाँ पर है, वो आपको यहाँ लेके आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे कुछ पत्थरों से बने हुए हैं, ये सेम टू सेम लद्दाख में भी ऐसी फीलिंग आती है। इन्होंने आगे प्रवेश मना कर रखा है, बट मैं झरने तक आपको लेके जा सकता हूँ आराम से। ये दिल्ली में बनाए हुए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पूरे पत्थर का ये गार्डन है, साइड से बंद किया हुआ है, और ऊपर यानी कि कुछ और ही चीज़ें हैं, तो मना के है तो वहाँ जाएंगे नहीं। बाकी प्रवेश निषेध आपको दिख रहा होगा। और ये रहा फ्रेंड्स वो वाटरफॉल का झरना, ये रहा, बट अभी पानी इसमें है नहीं कि पानी वगैरह तो बंद है। बाकी इनका इधर रूम वगैरह इधर जाना मना है। बड़ा कोई बार दिखा देता हूँ ये वाटरफॉल, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से पानी गिरता है ऊपर से नीचे इसमें, तभी पानी वगैरह तो है नहीं। और आपको दिखा दो चारों तरफ से ग्रीनरी, और ग्रीनरी के साथ ये कुछ पत्थरों से इनके बनाए हुए स्टैचू वगैरह, और ऊपर से देख सकते हैं आप वाइट कलर ज्वालामुखी टाइप का छोटा सा पहाड़ बनाए हुए। और बाकी छोटा मोटा नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। कम से कम इसको पैदल चलने में आपको कम से कम 20+ मिनट्स लगेगा, बट उससे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है, तो आप आराम से पैदल जाने में भी आपको बहुत टफ लगेगा। तो आइए और ज़रूर विज़िट कीजिए इस जगह को, बहुत प्यारी जगह का इंटरेस्टिंग जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको और अच्छा दिख रहा होगा बुद्धा स्तूप, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं टॉप। सो फ्रेंड्स, इस धूप में आपके लिए मेहनत करी है भाई, गर्मी बहुत है, सन ग्लासेस इतने गर्म हो चुके हैं, ये पहनना इसलिए ज़रूरी था कि यार हालत बुरी हो चुकी है। तो आइए ज़रूर विज़िट कीजिए इस जगह का, टिकट प्राइस कुछ भी नहीं है, एनी वेयर एनी टाइम आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, बहुत बड़ा पार्क है। बाकी फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी आपकी नीड है सब्सक्राइब करने की, मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि मुझे और बड़ी फैमिली चाहिए, मुझे और ग्रोथ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा और आपको बहुत अच्छी चीज़ को एक्सप्लोर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।